दोस्तों, बात अगर स्टार किड्स की हो तो उनके लिए मौकों की बारिश होना तो आम बात है। आज हम जिस एक्टर की बात आपके सामने कर रहे हैं, वह भी स्टार किड है और उन्हें इसका पूरा फायदा भी मिला। हालांकि किस्मत उनके साथ नहीं रही, जिसके चलते उन्हें बॉलीवुड को अलविदा कहना पड़ा। यहाँ बात हो रही है जायद खान की। शक्ल सूरत से फिल्में हासिल करने वाले जायद खान अब फिल्मी दुनिया से दूर है। शक्ल और नाम से इन्हें सभी जानते हैं, लेकिन इनकी फिल्म कुंडली पलटकर अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही हिट फिल्म नजर आएगी। हालांकि इनके करियर की ये इकलौती हिट भी इनके कंधों पर नहीं थी। दरअसल यह फिल्म थी शाहरुख खान के कंधों पर। अब तक इस फिल्म का नाम आपको याद आ ही चुका होगा, यह फिल्म थी मैं हूं ना। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अच्छी खासी शक्ल सूरत, लंबी चौड़ी कद काठी और फिल्मी खानदान से होने के बावजूद जायद खान इंडस्ट्री में चल नहीं पाए। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। जायद खान का जन्म 5 जुलाई 1980 को मुंबई में एक फिल्मी परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम जायद अब्बास खान है। जायद अपने परिवार में सबसे छोटे हैं और उनके 3 बहनें भी हैं। वह 3 बहनों के इकलौते भाई हैं। जायद खान अपने जमाने के सुपरहिट हीरो रहे अभिनेता संजय खान के बेटे और अभिनेता फिरोज खान के भतीजे हैं। कुल मिलाकर जायद खान ने बचपन से ही फिल्म और एक्टिंग वाला माहौल देखा। संजय खान ये चाहते थे कि जायद वकील बने, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी तो 11 साल की उम्र से 23 साल की उम्र तक जायद खान ने घर से बाहर रहकर पढ़ाई ही कर रहे थे कि लंदन से जब जायद ने फिल्म एक्टिंग की पढ़ाई पूरी की तो भारत लौटने का समय आया। जायद घर लौटे, 2 साल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पे जमाने के लिए कड़ी मेहनत भी की। इसके बाद जायद ने वर्ष 2003 में फिल्म चुरा लिया है तुमने से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। हालांकि इस फिल्म से उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। जायद को पहचान मिली वर्ष 2004 में आई फराह खान की फिल्म मैं हूं ना से। इसमें शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, सुनील शेट्टी और अमृता राव लीड रोल में थे। जायद ने शाहरुख के भाई लक्ष्मण का रोल किया था। इस फिल्म से जायद की गाड़ी थोड़ी आगे जरूर बढ़ी, सबकी उम्मीदें उनके तरफ बढ़ने लगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस फिल्म के रिलीज के बाद जायद की सारी ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। जायद को फिल्म मैं हूं ना कैसे मिली, इसका भी एक दिलचस्प किस्सा है, जिसका जिक्र खुद जायद ने एक बातचीत के दौरान किया था। दरअसल फिल्म मैं हूं ना की तैयारी चल रही थी। जायद के मुताबिक वो चाहते थे कि फराह खान उनकी फिल्म चुरा लिया है तुमने, जो कि मैं हूं ना से पहले रिलीज हुई थी, उसका एक गाना कोरियोग्राफ करे, और वो इसी सिलसिले में उनसे मिले थे। लेकिन वह उन्हें अच्छे से नहीं जानती थी, क्योंकि उस समय जब भी लोग उनसे मिलते तो खुद को संजय खान का बेटा या फरदीन खान का भाई उन्हें बताना पड़ता था। फराह खान ने उनसे कहा कि मैं एक फिल्म बना रही हूँ। उन्होंने आगे कहा कि मैं तुम्हें फिल्म मैं हूं ना में एक रोल देने के बारे में सोच रही हूँ। इसी दौरान शाहरुख खान भी आए। उन्होंने जायद खान से कहा, हम एक फिल्म के लिए सेकंड लीड की तलाश में हैं। फराह खान का कहना है कि तुम इसके लिए अच्छे रहोगे, लेकिन एक बात बता दो भाई, तुम्हें एक्टिंग तो आती है ना। जायद ने बताया, मैं इस सवाल से थोड़ा परेशान हो गया था, फिर मैंने सोचा मेरा जन्म एक एक्टिंग फैमिली में हुआ है, जाहिर है एक्टिंग तो मेरे खून में है। मैंने कहा, हाँ भाई आती है, मैं पैदा ही एक्टिंग के लिए हुआ हूँ। हालांकि जायद को एक्टिंग कितनी आती है ये उनके करियर ग्राफ से पता चल रहा है, लेकिन शाहरुख खान के साथ एक फिल्म करने का फायदा उन्हें बस इतना ही हुआ कि लोग उन्हें उनके पिता के नाम से नहीं बल्कि उनके खुद के नाम से जानने लगे। बता दें कि जायद ने
शादी नंबर 1, 10, फाइट क्लब, मिशन इस्तांबुल और युवराज सहित कुछ गिनी चुनी फिल्मों में काम किया है। आखिरी बार वे बड़े पर्दे पर साल 2015 में आई फिल्म शराफत गई तेल लेने उसमें दिखे थे। फिल्मों में कुछ खास सफलता नहीं मिलने के बाद जायद ने टीवी की ओर रुख किया और सीरियल हासिल में काम किया। इसके बाद उन्होंने कोई फिल्में नहीं की। हालांकि वर्ष 2020 में उनके पिता संजय खान ने ये कहा था कि वह अपने बेटे को कमबैक जरूर कराएंगे, लेकिन अभी तक ऐसे किसी प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं हुआ। इस बीच बीते दिनों जायद खान ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी जरूर शुरू की है, जिसका नाम है हंगरी वॉफ एंटरटेनमेंट। इसका ऐलान खुद जायद ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए किया था। उम्मीद है कि बतौर निर्माता जायद कुछ कमाल कर पाए। उनके काम से अलग हम बात करें तो जायद ने साल 2005 में अपनी बचपन की दोस्त मलाइका पारेख से शादी की थी। इस बात का एक इंटरव्यू के दौरान जायद ने बताया था कि उन्होंने मलाइका को 3 बार शादी के लिए प्रपोज किया था। तीनों ही बार की 3 रिंग अब भी मलाइका के पास। बताया जाता है कि जायद और मलाइका शादी से 10 साल पहले से एक दूसरे को जानते थे। उनकी मुलाकात तब हुई थी जब वे कोडाइकनाल इंटरनेशनल स्कूल तमिलनाडु में पढ़ाई कर रहे थे। जायद और मलाइका की शादी और रिसेप्शन में पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय बच्चन, संजय दत्त, विनोद खन्ना, उद्धव ठाकरे और कई सेलेब्स पहुंचे थे। इन दोनों के 2 बेटे हैं, जिदान और आरिस। जायद सोशल मीडिया पर अब काफी एक्टिव है और अक्सर अपने परिवार के साथ तस्वीरें साझा करते हैं। बॉलीवुड में भले ही जायद का करियर खराब रहा हो, लेकिन लोग अभी भी उन्हें इंडस्ट्री में उनके योगदान और शुरुआती फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए याद करते हैं। अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान उन्हें एक छाप बनाने और महान आकर्षण और स्वभाव के साथ अभिनय क्षमता दिखाने का श्रेय जाता है। जायद भले ही इन दिनों बड़े पर्दे पर उतने चर्चित न हो, लेकिन उनके फैंस उनके अभी भी वापसी की उम्मीद करते हैं, क्योंकि उनके फैंस को लगता है कि उनकी प्रतिभा इतनी अनमोल है कि उन्हें खोया नहीं जा सकता।